भूमाफिया ने गरीबों के आशियाने पर कब्जा कर दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर कर दिया है उन्हें। गनीमत ये रही कि सही समय रहते पीड़ित परिवार ने पुलिस की मदद लेकर भूमाफिया से अपना घर कब्जा मुक्त कराया। इतना ही नहीं था, ये दबंग किस्म के लोग अब परिवार के लोगों को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। सपा के समय इन लोगों ने ना जाने कितने घरों पर कब्जा किया। ये पूरा मामला कोतवाली देहात थाने के कोतवाली बरहापुर रोड का है, जहां कुछ भूमाफिया ने एक व्यक्ति जिसका नाम अकबर अली है उसके मकान पर कब्जा कर लिया और पुलिस ने इस परिवार को उनसे मुक्त कराया। पीड़ित परिवार ने पुलिस को सही समय पर घटना से अवगत करा दिया, जिससे वे इनकी मदद सके। आपको बता दें कि इन भू माफिया वालों पर एक दर्जन से अधिक मुकदमे जनपद बिजनौर में चल रहे हैं। सपा नेताओं का हाथ इन पर हमेशा बना रहता है, जिसके कारण इनकी हिम्मत अब ऊंचाई तक पहुंच चुकी है और ये दबंग आए दिन मकानों पर कब्जा करने की फिराक में रहते हैं। हमारी जो जमीन है बैनामा सुधा है, वो इद्रीस नाम का आदमी हमारी जमीन पर कब्जा करना चाहता था, कब्जा कर लिया था उसने। रात में ताले तोड़े, शटर काटे उसने और अपना सामान रख दिया था। फिर हमने आला अफसरों से शिकायत की इस मामले की, तो उन्होंने अपने आदमियों को भेजकर, पुलिस वालों को भेजकर हमारा कब्जा मुक्त करा दिया है। फिलहाल हमारा है उस पर अधिकार, लेकिन हम चाहते हैं कि आगे कुछ ना कर सके वो इस मामले में, और हमें उससे जान का, माल का, हर तरह का खतरा है, क्योंकि वो हमें लगातार धमकियां देता चला रहा है। किस पार्टी के लोग हैं? और ये समाजवादी पार्टी के लोग हैं और इन लोगों ने ना जाने कितने जमीनों पर पहले भी कब्जा करा हुआ है और अब हमारी जमीन पर उसकी नजर है और वो उस पर कब्जा करना चाहता है। कितने लोग इन्वॉल्व हैं इसमें? इसमें उसके एक तो इद्रीस है और उसके लड़के हैं और उसके साथ न जाने कितने और दर्जन आदमी हैं। क्या कोई थाने में इनके खिलाफ कोई मुकदमे भी दर्ज हैं? इसके इनके खिलाफ थाने में कम से कम दर्जन या उससे भी ज्यादा हो सकते हैं, और कुछ चल रहे हैं और कुछ पुराने हैं भी। जी सर, ये कोतवाली की दुकान का क्या मामला है? और जो भी फैक्ट्स निकल के आएंगे उसका इम्प्लीमेंटेशन तुरंत कराया जाएगा और किसी भी तरह का दबाव मतलब लगाएगा तो बर्दाश्त। बिजनौर से ये थी अजय पांडे की रिपोर्ट।